जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने परीक्षा को लेकर लिया बहुत ही बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने परीक्षा को लेकर दिया बहुत ही बड़ा निर्देश। सभी स्टूडेंट्स को मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि चाहे किसी भी सेशन के स्टूडेंट्स हो, चाहे 2019-22 पार्ट वन के स्टूडेंट्स हो, या 2017-19 के स्टूडेंट्स हो, या 2017-20 के हो, किसी भी सेशन के स्टूडेंट्स हो, उनका परीक्षा अगस्त के महीने के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर अगस्त के महीने के बाद क्यों ऐसा किया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग गूगल पर आ जाइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, अपना मोबाइल फोन ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है जेपी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। यह जेपी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी हम आप लोगों को बता दें कि जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरी खबर दूंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को आगे पीछे भगाकर मत देखिए, ओके, नहीं तो इंफॉर्मेशन से आप लोग वंचित हो जाएंगे और इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक खबर बहुत ही ज्यादा खास है। तो सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए आपको बताऊं मैं सभी स्टूडेंट्स को, वीडियो में आगे शुरू करो उससे पहले यार वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना तो लाइक कर दो, और चैनल पर न्यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली पल पल की अपडेट जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबर पूरी हम देते हैं इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। तो चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट न्यूजर हो तो, और बगल में घंटी का ऑप्शन उसको भी दबा देना कि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है कि 8 अगस्त के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, 8 अगस्त के बाद जो है, यानी 8 तारीख को 8 अगस्त के बाद जो है आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, आखिर ऐसा क्यों किया गया है, आज के इस वीडियो में विस्तार से हम समझेंगे। दोस्तों बहुत सारे छात्रों को एक शंकाय थी, बहुत सारे छात्र को क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये बताइए आखिर परीक्षा क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर जुलाई आ गया है, जुलाई का ला जुलाई जो है फर्स्ट वीक जो है ख़त्म हो गया है, सेकेंड वीक चल रहा है, आखिर परीक्षा क्यों नहीं लिया जा रहा है, कोई डेट कन्फर्म क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज की ये खबर जो है आप लोगों के लिए वाकई में बहुत ही बड़ी खबर होने वाली है साबित, क्योंकि 8 अगस्त के बाद जो है परीक्षा का डेट जो है जारी किया जाएगा 8 अगस्त के बाद, ठीक है। चलिए आपको लाइव प्रूफ थोड़ा दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ओके। दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए सभी स्टूडेंट्स पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाऊंगा, ये दैनिक जागरण के ऑफिशियल न्यूज अपडेट पर ये खबर निकल कर आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरी ऑफिशियल न्यूज दिया जाता है, बिहार एजुकेशन न्यूज, यहाँ पर देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर 8 अगस्त तक राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालय और व कॉलेजों को कोई परीक्षा नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, साफ तौर पर आपको दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 8 अगस्त, यहां पर देखिए 8 अगस्त तक राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालय और वह उसके अंडर में जितने भी विश्वविद्यालय, यानी जेपी यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेज आते हैं, उस कॉलेज को और विश्वविद्यालय को कोई भी परीक्षा लेने को निर्देश नहीं दिया गया है 8 अगस्त तक, ठीक है। यानी साफ तौर पर ये बात पता चलती है कि 8 अगस्त तक जो है कोई भी परीक्षा नहीं होगा और जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति कोई भी एक्शन नहीं लेंगे परीक्षा को लेकर, ठीक है। 8 अगस्त के बाद जो है आप लोगों का परीक्षा डेट जारी किया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। यानी दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों का जो है इस महीना जो है आप लोगों का पूरा मतलब जाने वाला है इसी तरह। यानी एग्जाम फॉर्म की बात करें तो एग्जाम फॉर्म आप लोगों का भरा जाएगा, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया है उनका भरा जाएगा। लेकिन एग्जाम की बात कर लेते हैं तो एग्जाम जो है 8 अगस्त के बाद लिया जाएगा, ठीक है। यानी परीक्षा 8 अगस्त के बाद होगा। बहुत सारे छात्र क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि 8 अगस्त के बाद, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर परीक्षा कैसे लिया जाएगा, असाइनमेंट द्वारा लिया जाएगा कि सेंटर द्वारा लिया जाएगा। दोस्तों हालांकि अभी कुछ दिन पहले जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने यह जाहिर किया था कि परीक्षा जो है अब सेंटर द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है और कम होने के कारण जो है अब असाइनमेंट पर परीक्षा नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली आपका सेंटर द्वारा परीक्षा लिया जाएगा,
तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। तो सेंटर द्वारा परीक्षा होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है, ये ध्यान से सुन लीजिए और सभी छात्रों को शेयर करके वीडियो को बता दीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा, ज़्यादा भारी मात्रा में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी इन्फॉर्मेशन सही रियल न्यूज ऑफिशियल नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। तो प्लीज़ यार आपका 2 मिनट समय उनकी भविष्य को जो है बर्बाद होने से बचा लेगा और उनके भविष्य को जो है एक तरफ से नई मोड़ लेकर आएगा। उनको वीडियो को शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, आज के डेट में बहुत सारे ग्रुप हो गए हैं, सभी ग्रुप में डाल दीजिए, स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा। दोस्तों अब आपका, जैसे कि मैंने आपको पूरी डायरेक्टली न्यूज अपडेट दे दिया है कि 8 अगस्त के बाद ही जो है आप लोगों का परीक्षा होगा और ये राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है, यानी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है सभी जेपी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को और जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति को। दोस्तों ये एक विश्वविद्यालय की बात नहीं है, सभी विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो सभी विश्वविद्यालय के हैं, जो परीक्षा जो है सेंटर द्वारा 8 अगस्त के बाद ही लिया जाएगा। तो दोस्तों यहीं से हम वीडियो को अब समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और हाँ, कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आने वाले उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। आप लोगों को एक बात और ध्यान से सुन लेना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। न्यू यूजर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 17, 19 या 17, 20 या 19, 22 या 18, 21 किसी भी सेशन के स्टूडेंट्स हो, अगर आपका एग्जाम जो है होने वाला है तो आप लोगों का एग्जाम जो है अब 8 अगस्त के बाद होगा। ओके, तो धन्यवाद, यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।